हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। आपके जेई मेन का जो टेस्ट है, जो पेपर है, वो जल्दी ही आने वाला है, तो आपको बेस्ट प्रैक्टिस सेट कहाँ से मिल सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज ये वीडियो बनाई है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो आपको कैसे लेने हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहना। तो सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और हमारा जो स्टडी मटेरियल आप फ्री में यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप चाहते हो कुछ सपोर्ट करना, तो आप यहाँ पर जाके डोनेट टू SBG स्टडी कर सकते हो। डोनेट टू SBG स्टडी करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जाना है, पर्पस लिखना है आपको क्यों कर रहे हो। आप जैसे लिख रहा हूँ कि बेस्ट मटेरियल ऐसे जो भी है, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा है तो आप कीजिए। यहाँ पे जैसे कि 100 रुपीज मैं पे कर रहा हूँ, लाइक ऐसे आपको करना है, और यहाँ पे आपका तीन चार चीज आपको भर देनी है, ठीक है। तो ये आप हमको सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आपको जो है आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो कैसे लेनी है। तो जैसे आप जेई के सेक्शन में जाओगे तो फ्री में आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट का ऑप्शन मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे तो आपको यहाँ पे फंक्शन एक एक सभी का ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे फंक्शन का है, ITF का, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी का। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर चलते हैं, क्लिक हेयर, कॉम्प्लेक्स ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर किया, तो यहाँ पे आपको पांच प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, 5 से 6 प्रैक्टिस सेट, जिनमें से सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट आपको भी यहाँ पे मिलेगा। हमने अभी तक एक ही प्रैक्टिस सेट डाला है, लेकिन एक प्रैक्टिस सेट आपके इतने काम आएगा मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर दिया है, और भी देखिए जैसे आपको क्या करना है। और अगर आप बैक जाओगे तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के मिल चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और भी यहाँ पे सारे जो फिजिक्स के हैं आपको मिल जाएंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री की भी सारे जो कि आपको है आपको मिल जाएंगे। जैसे आप मोल कॉन्सेप्ट में जाओगे तो जाने के बाद आपको क्या है, आपको और भी सारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिनमें से सभी में हमने एक एक प्रैक्टिस सेट हमने डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां पे जाएंगे आप तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको क्वेश्चंस मिले हुए हैं, इफ दिस क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, ये क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत सारे A to Z क्वेश्चंस आपको जिस तरीके के बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैथ्स के 47 क्वेश्चंस है। यहाँ पे अगर आप एक चैप्टर से 47 क्वेश्चंस कर सकते हो तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों, जाइए, इन जो क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखा देता हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखी, आपको नहीं पता प्रैक्टिस सेट, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप होम पे जाओगे, होम पे जाने के बाद अगर आपने अभी तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, अभी तक आपका कुछ भी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है और आपको लगता है कि आपका जो तैयारी है वो अच्छी नहीं है, तो आप जाइए नोट्स में, जेई के नोट्स में आप जाओगे तो आपको क्या करना है, एक तो केमिस्ट्री ऑल रिएक्शन देखनी है, जिसमें आप ऑर्गेनिक सारा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद जैसे कोई भी है आपका, जैसे मूल कॉन्सेप्ट है, सॉलिड स्टेट है, मान लो सॉलिड स्टेट को मैं ओपन करता हूँ नेक्स्ट टैब में, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपको ये मिला है, मान के चलो, और मैं आपको GOC है, GOC है, या कुछ भी आप ले लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग सबसे बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे, केमिकल बॉन्डिंग को, यहाँ पे ये खुल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है अच्छे से, आपको डर भी लग रहा है, आपको अब कैसे पढ़े, आपको आपको पता नहीं चल रहा कैसे पढ़े, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको हमारे नोट्स में जाना है, नोट्स में जाने के बाद कुछ टॉपिक्स पे आपको इम्पोर्टेंट IMP और इम्पोर्टेंट और स्टार्स वगैरह आपको मिलेंगे, तो वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ऐसा आपको ज़्यादातर चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स के नोट्स हैं, नोट्स आपको बेस्ट फैकल्टी के नोट्स मिलेंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट का जो खुल चुके हैं, सॉलिड स्टेट के जो कि नोट्स है वो आपको खुल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो ये आपको टिक का निशान है, ये तो आपको सभी पे मिलेगा, इनको नहीं करना है। मैंने बोला जो स्टार को या इम्पोर्टेंट उन पे लिखा होगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको ऐसे भी मिलेगा, यहाँ पे जैसे ये वाला है, ये आपको देख लेना है, याद करना है, ठीक है। ये वाले जैसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, जो जैसे आपको इम्पोर्टेंट लिखा होगा तो आपको वो जरूर से जरूर कर लेना है। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिखेगा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में ये जो नोट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्मड बोथ FCC एंड HCP यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, आप इसको जरूर कीजिएगा। उसके बाद और दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आयनिक सॉलिड्स, दिस
टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मैंने दो चीज आपको बताई, एक तो प्रैक्टिस सेट बताई है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अवर नोट्स, हमारे नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे मिलेंगे। तो ऐसे आपको जाकर इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे भी स्टार आपको मिला हुआ है, NaCl स्ट्रक्चर और रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, तो ये रॉक सॉल्ट ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर हमारा काम अच्छा लगा हो, फ्री में स्टडी मटेरियल आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ पे आप जाके डोनेट भी कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।